तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि यदि n प्लस वन पी 18 और n माइनस वन पी 16, इसका जो अनुपात है ये 420 अनुपात एक है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। चलिए इसे सरल करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है। तो उसका हम उपयोग करेंगे, ये एन प्लस वन पी 18 और एन माइनस वन पी 16 इसका अनुपात। तो इसका मतलब ये कि एन प्लस वन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर, तो ये एन प्लस वन माइनस 18 इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरीके से एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस 16 का फैक्टोरियल। आगे जब सॉल्व करेंगे तो एन प्लस वन का फैक्टोरियल ये, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा एन माइनस 17 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये फैक्टोरियल में एन माइनस वन यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर जो है ये अंश में चला जाएगा, तो फैक्टोरियल एन माइनस 17 या एन माइनस 17 का फैक्टोरियल, ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो एन प्लस वन को आप लिख सकते हैं एन प्लस वन, एक घटाएंगे तो मिल जाएगा एन, और फिर इसमें एक घटाएंगे तो मिल जाएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और हर में है फिर से एन माइनस वन का फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करने पर मिल जाएगा एन इंटू एन एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू, ये जो अनुपात दिया गया है ये 420 बटे एक, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो इसका मतलब ये कि आप लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 420 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक वर्ग समीकरण है n में, और इसको हम सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करते हैं, तो एन स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n माइनस 420 इक्वल टू ज़ीरो। आगे सॉल्व करने के लिए प्रथम दोनों पदों में आप n कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा n प्लस 21, फिर अगर आप माइनस 20 कॉमन लेते हैं अंतिम दो पदों में तो n प्लस 21 कॉमन आएगा। n प्लस 21 दोनों पदों पर है तो आप n प्लस 21 को कॉमन लीजिए, अगला पद आएगा n माइनस 20 इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों पदों को आप अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे तो एक बार आएगा n इक्वल टू माइनस 21 और n इक्वल टू आएगा 20। तो चूंकि n ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः n इक्वल टू 20 जो होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसमें अगला प्रश्न, यदि पी एन सिक्स, इसका मतलब है कि एन पी सिक्स इक्वल टू 30 इंटू पी ऑफ एन एंड 4 हो तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। पहला यह कि दिया है, इसको मैं एन पी सिक्स इस तरीके से लिख सकता हूँ और 30 इंटू एन पी 4 ऐसे लिख सकता हूँ। तो आगे जब सॉल्व करेंगे एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, तो ये एन हो जाएगा और ये एन माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30 इंटू ये एन का फैक्टोरियल और यहाँ पर एन माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन ये एन माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30 इंटू 1 अपॉन एन माइनस 4 एन माइनस 5 और आगे आप इसे लिख सकते हैं एन माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो ये एन माइनस 6 का फैक्टोरियल है, लेफ्ट और राइट दोनों पर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसको जब हम तिर्यक गुणा करेंगे इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 30 अपॉन एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5। तिर्यक गुणा करेंगे तो
और सरल ब्रैकेट को पहले गुणा कर दीजिए, ओपन करके गुणा करिए और फिर आगे इसको पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4n प्लस 20 इक्वल टू 30, या फिर इसे आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 9n और 30 को आप लेफ्ट राइट में लेके जाएंगे तो घट जाएगा और आपको मिल जाएगा माइनस 10। तो एन स्क्वायर माइनस 9n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये n में एक वर्ग समीकरण है, गुणनखंड विधि से हम इसको सरल करेंगे। तो एन स्क्वायर माइनस 10n और प्लस n और ये माइनस 10 इक्वल टू 0। तो प्रथम दोनों पदों में आप n को उभयनिष्ठ ले सकते हैं तो ये n माइनस 10 आएगा और फिर 1 को जब उभयनिष्ठ लेंगे तो ये n माइनस 10 आएगा। तो n माइनस 10 दोनों पदों पर है, इसको उभयनिष्ठ लीजिए तो ये n माइनस 10 और फिर n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप सरल करेंगे तो n इक्वल टू 10 मिलेगा और n इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। तो यहाँ पर भी यही बात लागू होगी कि चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं होता या ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः n इक्वल टू जो 10 है इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि यदि 2n माइनस 1 पी एन ये और 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 इन दोनों का अनुपात यदि 5:3 है तो n का मान क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। तो पूर्व प्रश्न की भांति इसे भी हम वैसे ही हल करेंगे। तो 2n माइनस 1 पी एन और 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 इन दोनों का अनुपात, तो पहले इसे सरल करते हैं और फिर जो मान आएगा उसको 5:3 से सरल करेंगे। तो ये 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल और अपॉन 2n माइनस 1 और ये माइनस n, फिर ये नीचे में जो पद है 2n प्लस 1 इसका फैक्टोरियल और फिर 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 ये इसका फैक्टोरियल। आगे सरल करते हैं तो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल और फिर अपॉन, तो 2n माइनस n करेंगे तो मिल जाएगा n और फिर ये माइनस 1 इंटू ये फैक्टोरियल में जो 2n प्लस 1 है। अब यहाँ पर देखिए 2n माइनस n करेंगे मिल जाएगा n और 1 प्लस 1 2, तो फैक्टोरियल में ये n प्लस 2 यहाँ पर आएगा। अब इसे और आगे सरल करते हैं तो ये 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल है और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो n प्लस 2 फिर n प्लस 1, n प्लस 2 में 1 एक घटाएंगे तो मिलेगा n प्लस 1, फिर इसमें एक घटाएंगे तो मिलेगा n और फिर इसमें n घटाएंगे तो मिल जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से 2n प्लस 1 और 2n और फिर 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये जो 2n माइनस 1 है ये पद और ये पद कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से n माइनस 1 और ये n माइनस 1 पद कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये n और यहाँ से ये n कैंसिल होगा। तो आगे आपको मिल रहा है n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 1 और ये बराबर है 5/3 के। तो इसे हम लिख सकते हैं कि दिया है, इस वजह से हमने इसको ऐसा लिखा है। अब आपको पहले इसको गुणा करना होगा फिर तिर्यक गुणा करना होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 इंटू एन इंटू एन एन स्क्वायर एन इंटू वन एन फिर 2 इंटू एन टू एन और 2 इंटू वन टू और फिर 5 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 10 और ये 2n प्लस 1। आगे सरल करते हैं, ये n स्क्वायर है और 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 3n स्क्वायर 2n प्लस n 3n 3n इंटू 3 तो आपको मिल जाएगा 9n 3 इंटू 2 करेंगे मिल जाएगा आपको 6 और 10 इंटू 2n करेंगे तो मिल जाएगा 20n लेफ्ट साइड में ले कराएंगे पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चिन्ह आएगा। इसी तरीके से माइनस 10 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 11n
ये 9n और माइनस 20n को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 11n, और ये प्लस 6 माइनस 10 को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये फिर से एक वर्ग समीकरण है n में और इसे हमें सरल करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस n माइनस 4 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3n प्रथम दोनों पदों में उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो ये n माइनस 4 और फिर अंतिम दो पदों में n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 जो है ये दोनों पदों पर है, तो n माइनस 4 को आप कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3n प्लस 1 और ये इक्वल टू 0। तो दोनों पदों को आप अलग अलग शून्य के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। तो पुनः हम यही लिखेंगे कि चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः n इक्वल टू 4 जो है इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए NPR इक्वल टू n माइनस 1 PR प्लस R इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। ये हमें सिद्ध करना है, तो इसके राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं और हम लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में दिया गया है कि n माइनस 1 PR प्लस R इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। तो जैसा कि आपको पता है कि NPR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आपको मिलेगा n माइनस 1 और हर में आपको मिलेगा n माइनस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये r इंटू n माइनस 1 इसका फैक्टोरियल है और फिर n माइनस 1 माइनस r और माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल मिलेगा आपको। अब आगे जब इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये इसे आप लिख सकते हैं n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और फिर ये r इंटू अंश में है n माइनस 1 इसका फैक्टोरियल और हर में आपको मिल जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो आगे हम लिखेंगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये n माइनस r माइनस 1 प्लस r और अंश में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और आप इसे लिख सकते हैं n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अंश में n माइनस 1 का फैक्टोरियल और हर में n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल दोनों आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम ले रहे हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल और हर में है n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये 1 प्लस r अपॉन n माइनस r। आगे जब आप इसे सरल करेंगे तो आपको मिलेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो मिल जाएगा n माइनस r और ये n माइनस r प्लस r। इसे सरल करते हैं तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये n माइनस r, ये माइनस r और प्लस r दोनों कैंसिल हो जाएगा, अंश में आएगा n, तो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो इसे आप लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल, और ये n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल है तो इसे आप लिख सकते हैं n माइनस r का फैक्टोरियल, और यही है आपका NPR। तो इसे आप देख सकते हैं कि यही लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस तरीके से जो हमें सिद्ध करना था वह सिद्ध हुआ। अब प्रश्न देखते हैं, एक कमरे में 5 सीटें हैं, वहां 2 व्यक्ति आए, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? तो 2 व्यक्ति है और 5 सीटों की संख्या है, तो हम लिखेंगे कि 2 व्यक्तियों के 5 सीटों पर बैठने के कुल प्रकार बराबर 5P2। अब ये 5P2 को कैसे हल करेंगे, ये हम जानते हैं कि NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो इससे हमें मिल जाएगा 5P2 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। और जब इसे आप सरल करेंगे तो आप 5 फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3,
फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 5 × 4 = 20। तो वे 20 प्रकार से बैठ सकते हैं, यह उत्तर है। अगला प्रश्न, शब्द सिंपलटन SIMPLETON के अक्षरों को आप कितने अन्य क्रमों में रख सकते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अन्य क्रमों में, अर्थात यहां पर जो क्रम लिखा जा चुका है उसको छोड़ करके हमें संख्याएं निकालनी है। तो शब्द सिंपलटन SIMPLETON में कुल 9 अक्षर भिन्न भिन्न हैं। यहां पर किसी भी अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। इन अक्षरों को क्रमबद्ध रखने के कुल तरीके हम लिखेंगे 9P9 बराबर फैक्टोरियल 9, और अभिष्ट क्रमचय हमें जो निकालना है उसमें हम कुल तरीके जो फैक्टोरियल 9 मिला है इसमें हम एक घटा देंगे तो हमें वह संख्या मिल जाएगी 362,879। अगला प्रश्न, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर रह सकता है। तो 8 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष चुनने के जो प्रकार होगा वह 8 होगा। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर रह सकता है, इसलिए पुनः एक उपाध्यक्ष चुनने के प्रकार यह 7। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने के प्रकार बराबर 8 × 7 बराबर 56। तो 56 तरीके से इसका चुनाव किया जा सकता है। 4 भिन्न भिन्न रंगों के झंडे से कितने संकेत दिए जा सकते हैं। अब 4 अलग अलग झंडे हैं तो एक झंडे का उपयोग करके भी संकेत दिया जा सकता है, 2 झंडे का, 3 झंडे का और 4 के 4 झंडों का भी उपयोग करके संकेत दिया जा सकता है। तो पहले हम इनके अलग अलग प्रकार निकाल लेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे तो हमें अभिष्ट उत्तर मिल जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे कि 1, 2, 3 या 4 झंडे दिखाकर संकेत दिए जा सकते हैं। 4 झंडों में से एक झंडे से संकेत देने के तरीके बराबर 4P1। 4 झंडों में से 2 झंडे से संकेत देने के तरीके बराबर 4P2। 4 झंडों में से 3 झंडों से संकेत देने के तरीके बराबर 4P3 और 4 झंडों में से 4 झंडों से संकेत देने के तरीके बराबर 4P4। इस प्रकार कुल तरीके बराबर 4P1 प्लस 4P2 प्लस 4P3 प्लस 4P4। तो इसे जब आप सरल करेंगे तो 4P1 आपको मिलेगा 4, 4P2 मिलेगा 4 × 3, 4P3 मिलेगा 4 × 3 × 2 और 4P4 मिलेगा 4 × 3 × 2 × 1। तो सबको आप सरल करेंगे तो मिलेगा 4 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 24 = 64। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो 0, 1, 2, 3, 4 से कितने 3 अंकों वाली संख्याएं बनाई जा सकती है। तो दिए हुए 5 अंकों में से 3 अंकों वाली कुल संख्याएं 5P3 बन सकती है, किंतु इन संख्याओं में वे संख्याएं भी सम्मिलित होंगी जिनके सैकड़े के स्थान पर शून्य आएगा, और सैकड़े के स्थान पर यदि शून्य आता है तो वह 2 अंकी संख्याएं बन जाएंगी। तो ऐसी संख्याएं 2 अंकों की है जो शून्य को छोड़कर शेष 1, 2, 3, 4 से बनाई जा सकती है। ऐसी संख्याओं की संख्या 4P2 है, इन्हें हमें अलग कर लेना होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतः दिए हुए अंकों से 3 अंकों वाली कुल संख्याएं बराबर 5P3 - 4P2। अब 5P3 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5 × 4 × 3 और 4P2 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4 × 3। सरल करने पर मिलेगा 60 − 12 = 48। अगला प्रश्न, 99 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों से बनाई जा सकती है। तो 99 और 1000 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं यह 3 अंकी संख्याएं होंगी और कुल दिए हुए अंक जो है वो 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार 6 अंकों से
तीन अंकों की बनने वाली संख्याएं बराबर 6p3 बराबर 6 गुना 5 गुना 4, सरल करने पर आपको मिलेगा 120। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, अंकों 3, 4, 5, 8 से चार अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य हो और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। चूंकि चार अंकों की संख्याएं बनानी है और चार अंक हमें दिए गए हैं, लेकिन ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जो 5 से विभाजित हो, तो 3, 4, 5 और 8 इसमें केवल 5 अगर इकाई के स्थान पर होगा तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो इसे हम लिखेंगे कि 5 से विभाज्य संख्याओं में से इकाई के स्थान पर 5 होगा, दिए हुए कुल अंक बराबर 4, इकाई के स्थान पर अंक 5 के निश्चित हो जाने पर चार अंकों वाली संख्याओं के लिए हमें शेष तीन अंकों 3, 4, 8 में से तीनों का ही क्रमचय करना है, जिसकी संख्या होगी 3p3। तो अतः चार अंकों वाली संख्याएं बराबर 3p3, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 3 × 2 × 1 बराबर 6। अगला प्रश्न, अंक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से कितनी संख्याएं बन सकती है जो कि 3000 और 4000 के बीच स्थित हो तथा अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो दिए हुए अंकों की संख्या है 7। यह स्पष्ट है कि 3000 और 4000 के बीच सभी संख्याएं 4 अंकों की होगी तथा वह 3 से प्रारंभ होगी, अर्थात हजारवें स्थान पर जो संख्या है वह निश्चित है, वह 3 होगी। इस प्रकार 3 को निश्चित मानकर शेष 6 अंकों में से हमें 3 का क्रमचय करना है। अतः अभीष्ट संख्याएं बराबर 6p3, सरल करने पर आपको मिलेगा 6 × 5 × 4 बराबर 120। तो इस प्रकार 120 जो है वह इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, 1, 2, 3, 5 अंकों से 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो दिए हुए अंकों की संख्या 4 है, अंकों 1, 2, 3, 5 से बनी 3 अंकों वाली सम संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2 होगा। इकाई के स्थान पर 2 को निश्चित कर लेने के पश्चात हमें शेष 3 अंकों में 2 अंकों वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। अतः अभीष्ट संख्याएं बराबर 3p2, सरल करने पर आपको मिलेगा 3 × 2 बराबर 6। अगला प्रश्न, 2, 5, 7 और 0 से 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई अंक किसी संख्या में दोहराया ना जाए, उनमें से कितनी सम और कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो दिए हुए 4 अंकों की कुल संख्याएं यदि हमें बनाना है तो वो 4p4 होगा। इसे सरल करने पर आपको मिलेगा 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 24। लेकिन इन 24 संख्याओं में से वे संख्याएं भी शामिल है जिनमें हजारवे स्थान पर शून्य है, तो ऐसी संख्याएं 3 अंकों वाली होंगी ना कि 4 अंकों वाली। तो 3 अंकों में से 3 अंकों वाली बनी संख्याएं बराबर 3p3, सरल करने पर आपको मिलेगा 3 × 2 × 1 बराबर 6। अतः दिए हुए 4 अंकों में से 4 अंकों वाली संख्याएं बराबर 24 × 6 बराबर 18। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब अगला भाग जो है वह है कि उनमें से कितनी सम और कितनी विषम संख्याएं होंगी। दिए हुए अंकों से बनी सम संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0 अथवा 2 होना चाहिए। इस प्रकार इकाई के स्थान पर 0 को स्थिर करने पर शेष 3 अंकों से 3 अंकों की बनी संख्याएं बराबर 3p3 बराबर 3 × 2 × 1 बराबर 6। इसी प्रकार इकाई के स्थान पर अंक 2 को स्थिर रखने पर 3 अंकों की बनी संख्याएं बराबर 3p3 बराबर 6। तो इन 6 संख्याओं में वे संख्याएं भी सम्मिलित है जिनके सैकड़े के स्थान पर 0 है, अतः ऐसी संख्याएं 2 अंकों की है जिनकी संख्या 2p2 अर्थात 2 है।
तो इकाई के स्थान पर अंक दो होने पर चार अंकों की बनी संख्याएं बराबर 6 ऋण 2 = 4। इस प्रकार अभिष्ट सम संख्याएं बराबर 6 ÷ 4 = 10 और अभिष्ट विषम संख्याएं बराबर 18 ऋण 10 = 8। अगले प्रश्न में कहा गया है 0, 1, 2, 3 से कितनी धन संख्याएं बनाई जा सकती है, इनमें कितनी संख्याएं 200 से बड़ी होंगी। तो यहां पर दो भाग है कि पहला कितनी धन संख्याएं बन सकती है और दूसरा कि कितनी 200 से बड़ी होगी। तो दिए हुए जो अंक है यह है 0, 1, 2, 3। तो एक अंक की धन संख्याएं आपको 3 मिलेगा कि 1, 2 और 3 इनमें से किसी एक को लेकर के हम बना सकते हैं। इस प्रकार इसके 3 प्रकार होंगे। दो अंक की धन संख्याएं बराबर 4p2 - 3p1। यदि शून्य दहाई के स्थान पर आता है तो वहां पर एक अंक की संख्या बनेगी ना कि दो अंक की। इस प्रकार हमने लिखा है कि दो अंक की धन संख्या है बराबर 4p2 - 3p1 = 12 ऋण 3 = 9। इसी प्रकार तीन अंक की धन संख्याएं बराबर 4p3 - 3p2 = 24 ऋण 6 = 18। इसी प्रकार चार अंक की धन संख्याएं लिखेंगे तो ये आपको मिलेगा 4p4 - 3p3 = 24 ऋण 6 = 18। तो इस प्रकार कुल धन संख्याएं जो हमें प्राप्त होंगी वह है 3 ÷ 9 ÷ 18 ÷ 18 = 48। तो यह पहले भाग का उत्तर है कि कितनी धन संख्याएं बनाई जा सकती है, तो 48 धन संख्याएं बनाई जा सकती है। स्पष्ट है कि चार अंक वाली संख्याएं 200 से बड़ी हैं, ऐसी संख्याएं 18 है। 200 से बड़ी तीन अंक की संख्याओं में से सैकड़े के स्थान पर अंक 2 अथवा 3 होंगे। इस प्रकार 200 से बड़ी तीन अंक की संख्याएं बराबर 3p2 + 3p2। सरल करने पर आपको मिलेगा 6 ÷ 6 = 12। अब हम 18 और 12 को जोड़ देंगे तो अभिष्ट संख्याएं हमको मिलेगा 30। तो इन संख्याओं से बनी जो संख्या है यह 200 से बड़ी, उसकी संख्या है 30। 6 अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6 की सहायता से 1000 से कम मान वाली कितनी विभिन्न संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि किसी भी स्थान में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। 1000 से कम मान वाली संख्याएं या तो एक अंक की होगी, दो अंक की होगी या फिर 3 अंकों वाली होंगी। तो इसे हम लिखेंगे कि 1000 से कम मान वाली संख्याएं 1 अंक 2 अंक और 3 अंकों वाली होगी। तो 6 अंकों से 1 अंक वाली संख्याएं बराबर 6p1, 6 अंकों से 2 अंकों वाली संख्याएं बराबर 6p2 और 6 अंकों से 3 अंकों वाली संख्याएं बराबर 6p3। तो इस प्रकार 1000 से कम मान वाली संख्याएं बराबर 6p1 + 6p2 + 6p3। सरल करने पर आपको मिलेगा 6 ÷ 30 ÷ 120 और बराबर 156। अगला प्रश्न, अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग से कितनी चार अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। तो कुल 5 अंक हैं। अब यहां पर चूंकि 4 अंकीय संख्याएं बनानी है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार ये 4 स्थान होंगे। दिए हुए 5 अंकों से 4 अंकों वाली कुल संख्याएं बराबर 5p4। सरल करने पर आप लिखेंगे फैक्टोरियल 5/5 - 4 का फैक्टोरियल। सरल करने पर आपको मिलेगा फैक्टोरियल 5 बराबर 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120। अब सम संख्या के लिए इकाई के स्थान पर या तो आप 2 रखेंगे या तो 4 रख सकते हैं। तो इकाई के स्थान को भरने के तरीकों की संख्या होगी 2। शेष 3 स्थानों को 4 अंकों में से 3 अंकों को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या बराबर 4p3। सरल करने पर आपको मिलेगा फैक्टोरियल 4 / फैक्टोरियल 4 × 3
बराबर फैक्टोरियल 4 बराबर 24, चार अंकीय अभिष्ट सम संख्या बराबर 2 गुना 24 बराबर 48।